प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का स्तुति गान करें। आलेलुया। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का स्तुति गान करें। आलेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का स्तुति गान करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल, सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का स्तुति गान करें। हालेलुया। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का स्तुति गान करें। हालेलुया। ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का स्तुति गान करें। हालेलुया। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे निवास स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का स्तुति गान करें। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन।
भेद दे, तेरी प्रज्ञा हमें दे दे। हे पावन आत्मा प्यारे यीशु के अभिषेक दे। हे पावन आत्मा प्यारे यीशु के आत्मा, मुक्ति हमें दे दे, तेरे आत्मा का अभिषेक। हे पावन भर दे सूत्र। हे ईश्वर, भोर को मैं जाग उठता हूँ और तेरे सामर्थ की ओर अपनी आंखें उठाता हूँ। अलेलुया। ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता
प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूंगा और तुझसे करबंध प्रार्थना करता रहूंगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूंगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक रहेगी। आमीन। हे ईश्वर, भोर को मैं जाग उठा हूँ और तेरे सामर्थ्य की ओर अपनी आंखें उठाता हूँ। अलेलुया। अग्रसूत्र। अग्निकुंड के बीच से तीनों एक स्वर में गाते थे, प्रभु को धन्य कहो, अलेलुया। प्रभु की समस्त कृतियों, प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों, प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो, आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो, वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो, अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो, ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो, प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो, पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए, पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्रों और नदियों प्रभु को धन्य कहो, मकर और जलचरगण प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो, सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो, मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो, इज़राइल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ, प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो, धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो, हनन्या अजरिया और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ, हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाएं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। अग्निकुंड के बीच से तीनों एक स्वर में गाते थे, प्रभु को धन्य कहो, अलेलुया। अग्रसूत्र। सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करे, अलेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो, इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करे, वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाए, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है, प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने शिविर में आनंद मनाए, उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाएं, राष्ट्रों को दंडित करें, उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध ले और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करें। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ और शक्ति। आमीन। लघु अनुवाक्य। तू ख्रिस्त है, जीवंत ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। तू ख्रिस्त है, जीवंत ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। तू पिता के दाहिने ओर विराजमान है। तू ख्रिस्त है, जीवंत ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। तू ख्रिस्त है, जीवंत ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। जाकरी गान अग्रसूत्र। प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और यह जानते हैं कि आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। आलेलुया। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपने प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बेरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में, अब और अनंत काल तक। प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और हम यह जानते हैं कि आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। हम प्रभु यीशु से निवेदन करें, वही सब मनुष्य को ज्योतिर्मय करता है, उनकी ज्योति हम में कभी नहीं बुझती है। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। सूर्य तथा तारों के प्रभु, इस नए दिन के दान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुनरुत्थान का यह दिन हम सानंद मनाते हैं। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें तेरी इच्छा पूर्ण करने दे। अपनी प्रज्ञा से हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सुरक्षित रख। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। इस रविवारिक यूक्रिस्त में सानंद भाग लेने के लिए हमें एकत्र कर। अपने दिव्य वचन और पावन शरीर से हमें पुष्ट कर। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। हे प्रभु, हालांकि हम अयोग्य हैं, अपने वरदानों से हमें संपन्न कर। सारे दिल से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम एक मन और एक हृदय बन गए हैं। तेरे आदेशों के प्रति अनुराग और तेरे प्रति ज्ञात पुरस्कार के प्रति अभिलाषा हम में उत्पन्न हो, जिससे इस परिवर्तनशील संसार के बीच रहते हुए भी हमारा मन अनंत सुख के लिए ललायत रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु येसु क्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे, और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। क्रिस्त के शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद।